मैंने अभी बस एक बार पंजा दबाया और मम्मी ऐसा डर गई तो मेरे से जोर से चीख मारी है मैंने कि तू थोड़ा अब प्लीज फिल्म में बैठे हो तुम अकेला हूँ मैं यहाँ इन रातों में जाने न दूँ मैं तुझे रखूँ बस पास तू मेरी सांसों में। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एंड आज मॉर्निंग की शुरुआत देखो कहाँ हुई है, अपने वॉशिंग एरिया में। रात को हमने मशीन लगा दी थी कि धुल जाएंगे कपड़े तो सुबह हम डाल लेंगे, लेकिन रात को देखो कितनी बारिश हुई और ये कितना गंद पड़ गया। ये हाल है देखो, कल सफाई करवाई थी, देख रहे हो ये हमारी पिट है जहाँ पे हमने बैठना है, कॉन्वर्सेशन पिट। लेकिन रोज़ रोज़ बारिश आ जाती है, रोज़ रोज़ जी गंदा हो जाता है। तो सबसे पहले मैं कपड़े सूखने डाल देती हूँ, उसके बाद ये बाहर की सफाई करवाते हैं, क्योंकि लकीली एक हमें हाउस हेल्पर मिल गई है और धीरे धीरे हो जाएगी एडजस्टमेंट। एक दो और रख लेंगे तो फिर अपना काम सारा सॉर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मलन साहब सुबह सुबह क्या सुन रहे हैं, थारे शहर। जरा थोड़ी सी वर्डिंग सुनाना। अभी सुनाते हैं, आप सुनाओ ना, आपको नहीं आती। थारे सेबा वाले फोन से महंगे मेरे बूट। हाय 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 हाय, थारे सेबा वाले फोन तो भी महंगे मेरे बूट, क्या ही गाना है। हाँ हाँ हाँ, समझिए सुन ले। दस केड़ा मेरे नाल पाओ वैर, गाना तो बहुत अच्छा, वर्डिंग बहुत अच्छी है यार। पाओ वैर नी बस ये मेरे बूट तेरे छाती पित्तल भर देंगे, ये समझ आई ना। रूस तो मंगाई क्या वैसे मतलब वाइब अच्छी है, वो बात अलग है कि हम इतनी फ्लुएंटली बात नहीं बोल सकते क्योंकि हमें गाने नहीं आते। दस केड़ा मेरे नाल पाऊ वैर नी, तेरे सेबा वाले फोन तो महंगे साडे बूत। तो गाइस एस्टन मार्टिन आई थी और मैं लगा रहा था, बट मेरे से ना थोड़ी भार लगी, तो पापा बैठे हैं गाड़ी में ठीक करने। हाँ जी पापा, बताओ क्या दिक्कत है। अरे भाई चाबी कहाँ लगा? चाबी इसमें लगती नहीं पापा, सिर्फ स्टार्ट स्टॉप होगा इंजन। कहाँ पे? ये रहा स्टार्ट स्टॉप। हाँ, सेंटर सेंटर सेंटर। अच्छा, यस। बट ये तो नहीं दबाना। नहीं, हाँ ये दबा दो, दबाओ। हाँ, लेट्स गो। रिवर्स, ये आर बटन दबाते रिवर्स है, डी दबाते ड्राइव है, एंड न्यूट्रल पी पार्क। और गाइस अब चलाएंगे पापा गाड़ी। ओह माय गॉड, पापा ने पूरी कोशिश करी एस्टन मार्टिन लगाने की, मुझे तो पीछे से नजर ही नहीं आ रहा आगे। तो आप सीट आगे कर लेते, वो पता नहीं कहाँ से होनी थी भाई। पर ये गाड़ी एकदम क्लास गाड़ी है, मतलब मुझे तो सही बताऊँ बहुत पसंद आई और लगाई मैंने ही एंड में, और इन्होंने इतना धुआं धुआं कर रखा है, तो अंदर चलते हैं। Later that same evening. तो गाइस फाइनली आज हम बैठे हैं पापा के साथ और सर के साथ बाहर घर के, क्योंकि दोनों जानों को ग्रीन टी पीनी थी। पापा आज ग्रीन टी कैसे, नॉर्मल चाय क्यों नहीं? चाय मैं भी दो या तीन कप पीता हूँ डेली, बस कर सब छोड़ दी, दूध छोड़ दिया, ग्रीन टी छोड़। यहाँ पर देखो मैं ना भी यही बात कर रहा था निश्चय से कि मतलब अब हम शिफ्ट हो गए पुराने घर से नए घर में, तो अब मतलब हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज होता है। जैसे अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बस आई एम मिसिंग माई फ्रेंड्स, तो मैं फिर यही सोच रहा था कि मैं मम्मी तो देखो कुछ नहीं मिस कर रही होंगी, पर पापा मिस कर रहे होंगे पार्क वाले दोस्त। तो ऐसा है ना, सिर्फ बिल्कुल मेरे सुबह पार यहाँ रनिंग नहीं हो रही, वहाँ मैं कम से कम 4-5 किलोमीटर दौड़ रहा हूँ। सॉल्यूशन बताओ ना, कोई ट्रेडमिल जो इतनी बढ़िया ट्रेडमिल छोड़ो, ये जो देखो सीधी बात है जिम कितना बना लो, जो मजा ठंडी हवाओं का है ना ओपन एयर का, वो नहीं है। तो आप इनको बताओ कोई ऐसी जगह का, बड़े पार्क में मैं भी सुबह जाता हूँ, आप भी आओ, आप इनको साथ लेके जाया करो ना। बिल्कुल मेरे साथ ही आप चलो सुबह, जो बड़ा पार्क है लेजर वैली, वहाँ पे अच्छी जॉगिंग करने मैं भी जाता। वाह देखो सॉल्यूशन में ढूंढ दिया मैंने, देवीलाल पार्क भी है। देखो मैंने सॉल्यूशन ढूंढ दिया है, अब आप दोनों जाके एक साथ दोस्ती करके पार्क जाया करो। कोई नमकीन नहीं है, ये देखो ये लो भैया, आप इवनिंग टी एंजॉय कर रहे हैं। अरे आप लो भैया, थैंक यू मम्मी, अब उनको करने दो एंजॉय, पार्टी करने दो, और मैं आपको एक झूला झुलवा के लाऊं। ठीक है, आप ध्यान रखना जरा घर का। ये आपको पता है गाड़ी कौन सी मम्मी? इतना तो पढ़ना आता है बेटा मेरे को, पता है ये मेरी एक्चुअली फेवरेट कार है।
जब हम बिग बॉस के घर से बाहर भी निकले थे तो हमने सबसे पहले क्या बोलते मेरे को गाड़ी चाहिए तो एस्टन मार्टिन। बट भाई ये तो थोड़ी ज्यादा पावरफुल है। पता क्या हुआ अभी जब मैं इसको चला के आ रहा था तो जैसे ड्राइव पर चलाई गाड़ी ना स्पीड पकड़ी लोड हुई और एकदम से गाड़ी उठ के राइट हो गई। मतलब जर्क मारा इसने इतना बुरा जर्क मारा मेरी हवा टाइट हो गई। मैंने कहा भाई अपने से नहीं लेनी ये वाली गाड़ी। बट एक्चुअली राइट नाउ वी आर ट्राइंग दिस कार। अगर अच्छी लगेगी तो फिर पापा के पैरों में पड़ जाएंगे, ए बाबू प्लीज गाड़ी ले दे। पापा ने कहना है नहीं। बट दिस इज अ सुपर्ब कार। आ जाओ। पापा का कहना है 2 सीटर नहीं लेनी, 4 सीटर लेनी है ताकि हम चारों इकट्ठे जाएं, फैमिली फैमिली राइड। इसकी तो आवाज ही हेलीकॉप्टर जैसी है। हेलीकॉप्टर लग रहा है क्या? बिल्कुल हेलीकॉप्टर लग रहा है, आवाज ही ऐसी। मम्मी हाँ जी, सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि हेलीकॉप्टर जब टेक ऑफ होगा तो आपको डर बहुत लगेगा। ओ भाई साहब, कृपया वो क्या कहते हैं अपनी पेटी बांध लीजिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। और हमने बांध ली, थोड़ा कष्ट हो रहा है बांधने में, कष्ट हो रहा है बांध ली। मम्मी मैंने कुछ करा ही नहीं। तो करना भी मत, करना भी मत। कुछ तो करेंगे। खतरों के खिलाड़ी, खतरों के खिलाड़ी चल रहा हूँ क्या? तो तू तो यही खतरों के खिलाड़ी खिला रहा है मेरे को। अभी तो खिलाना शुरू कर रहा है। ओह शाबाश, अभी तो मम्मी कुछ शाबाश वो करेंगे। अभी तो मैं अपार्टमेंट के अंदर हूँ तो अभी आराम से निकल जाते हैं बाहर। Okay. आप ये बताओ आपको बैठ के कैसी फील आ रही है? लग्जरी फील आ रही है क्या? लग्जरी तो है ही है। मैंने अभी बस एक बार पंजा दबाया और मम्मी ऐसा डर गई तो मेरे से जोर से चीख मारी है मैंने कि तू थोड़ा अब प्लीज, प्लीज, प्लीज! नहीं मैं नहीं बैठ सकती, इतनी मेरी हार्ट फेल हो जाएगा। अभी तो नॉर्मल ट्रैक है यार, अभी तो नहीं 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 स्पोर्ट्स मोड चलाऊं अभी आप तो नहीं। तू मैं नहीं बैठती, मैं नहीं बैठती। अरे हाथ क्यों पकड़ रहे हो, गाड़ी कैसे चलेगी? तू बंद कर, मैं नहीं, मैं मर जाऊंगी इतनी तेज स्पीड में, हार्ट फेल हो जाएगा मेरा। अरे यार नहीं 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 नहीं। अरे क्या हो गया मम्मी? मुझे भाई बख्श दो, मुझे यही उतार दो, मैं अपने आप चली जाऊंगी। नहीं मेरी हार्ट बीट, मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। अरे यार इतनी इजी तो मैं तो बस एक पंजा ही तो देता हूँ मम्मी। नहीं मम्मी मत डरो, मत डरो। नहीं नहीं मैं चिल चिल एक 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 बार स्पोर्ट्स मोड पे बैठ जाओ। नहीं प्लीज मेरे को नहीं, मेरे को नॉर्मल गाड़ी है ठीक है, मैं मम्मी ने जो चीखे मारी है तेरे को मजाक लग रहा है, मेरी अंदर से हवा टाइट भी पड़ी है। अब नहीं डरा ना मम्मी को यार, मम्मी पता कैसे हो जाती है एकदम से सारी सीट बेल्ट और जो भी पकड़ सकते हैं ना वो पकड़ते हैं। नहीं नहीं नहीं, नाइस मम्मी, यू आर वेरी क्यूट यार, वेरी क्यूट, यू आर वेरी क्यूट। गलती कर दी मैंने। भाई मम्मी यहाँ पर हमारे को कह के गई थी कि मैं बंजारा मार्केट चलूंगी तेरे साथ शॉपिंग करूंगी, और मैं पैसे भी लेके गई थी पर मुझे अपनी जिंदगी ज्यादा प्यारी लगी। भाई मम्मी इतनी ज्यादा डर गई, कह रही है घर चल कोई और गाड़ी लेके आ, मैं इस गाड़ी में नहीं जाना चाहती। भाई इतना क्या डर मम्मी? ये तो जैसे एक तो इसकी आवाज इतनी हेलीकॉप्टर जितनी, ऊपर से तूने जब रेस दी ओ भाई मेरी तो जो हार्ट बीट तेज हो गई। मैंने कहा तू चल भाड़ में गया बंजारा मार्केट, मेरे को घर लेके चल भाई। डरपोक हो गए मम्मी आप तो। मैं बहुत डरपोक हूं। मम्मी का ऐसा रिएक्शन अब एपिक था, जैसे ही रेस तो ना मम्मी एकदम से पीछे होके सारी चीजें जो पकड़ सकते हैं ना बस पकड़ के कि नहीं 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 नहीं। अब खोलो मम्मी गेट। मेरा तो चलना ही नहीं। बताओ आपका घर नहीं है, हटो। हाँ मेरा घर नहीं है, देखा मालिक मालिक से खुलता है। ओ माय गॉड, असली मालिक तो मैं ही हूँ इस घर का। तभी तो मेरे हाथ से खुलता नहीं है। Sad life. मजा आया एस्टन मार्टिन ले ले? नहीं नहीं भाई नहीं। आपकी बीवी तो बहुत डरपोक हो गया भाई। वो गाड़ी चलाई वहां पर वो डर गई।
ये तो एकदम से रोने से होने को हो गई थी, मैं नहीं बैठूंगी गाड़ी में। ये देखो मेरा सिर घूम गया, ये रोलर कोस्टर राइड झूल के आई है मम्मी को ऐसा लग रहा है। सही में उससे भी खतरनाक। लेटर दैट नाइट उधर पापा वहां बैठ के, ये देख वहां बैठ के खा रहे ना, जल्दी जल्दी उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, देखना नहीं मैच उधर बाहर बैठ के देखो। चलो इधर टीवी ऑन है ऑलरेडी। कोई बात नहीं मैं उधर भी ऑन कर दूंगी, यहाँ खाना अलाउड नहीं है। अरे क्या हो गया, बेड पे नहीं खाना, जल्दी आ जाओ बाहर, खाना वापस दे दो, मेरा खाना नहीं मिलेगा। नहीं बेड पे नहीं बेटा प्लीज उठो, आ जाओ आ जाओ, बहुत खाया बेड पे बैठ बैठ के, अब टेबल पे बैठो, सीखो टेबल पे बैठना। बेड पे नहीं बैठना, सोफे पे तो बैठ सकता पापा तो खुद कह रहे थे यही दे दे बेड पे, नहीं, तो नहीं ये अच्छी जगह है ना खाना खाने की, है ना, मजा भी आता है यहाँ बैठ के खाने का। तुझसे ना बात करूं तो पल ये अधूरे लगते हैं, बाकी भी तेरे बिना सपने ना पूरे लगते हैं, मेरी हर बात पे तेरा ही तो जिक्र होगा,